collision airbags in cars inflate rapidly due to production of nitrogen. The nitrogen is formed according to the following equation. मेरे भाई ये सब्सटेंस कहलाता है सोडियम एसाइड. इक्वेशन से पता चल रहा है कि 2 मोल सोडियम एसाइड के 2 मोल सोडियम के प्रोड्यूस कर रहे हैं और 3 मोल नाइट्रोजन के कर रहे हैं. और ये रिएक्शन फर्दर चल रहा है कि सोडियम के 10 मोल 2 मोल पोटेशियम नाइट्रेट के साथ मिलके K2O, Na2O और N2 बना रहे हैं. तो कह देंगे कितने मोल नाइट्रोजन गैस के प्रोड्यूस होंगे अगर हम 1 मोल सोडियम एसाइड लें. तो अगर देखें ये रिलेशन सोडियम एसाइड की और नाइट्रोजन की, इसके 2 मोल इसके 3 मोल, इसका 1 मोल होगा तो 3 का 1.5 कर दें. लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो साथ साथ ये सोडियम भी बना रहा है और सोडियम का फर्दर रिएक्शन होता है. चले मैं अगर देखता हूँ कि इसका सोडियम के साथ क्या मामला चल रहा है, तो सोडियम के साथ इसका कुछ ऐसे मामला चल रहा है कि 2 मोल पे 2 मोल. तो अगर इसका 1 मोल होगा तो सोडियम का भी 1 मोल होगा. अब यहाँ दोबारा एक क्वेश्चन में देखें कि सोडियम के 10 मोल नाइट्रोजन का 1 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो मेरे भाई सवाल में हमसे कितना क्या आ गया है, 1 मोल ऑफ सोडियम एसाइड. 1 मोल अगर सोडियम एसाइड का होता तो सीधी साधी कैलकुलेशन की 1.5 तो N2 प्रोड्यूस करेगा, लेकिन साथ साथ वो 1 मोल सोडियम भी प्रोड्यूस कर रहा है. आगे देखना ये कि 1 मोल ऑफ सोडियम कितना नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है. अगर 10 मोल 1 कर रहा है तो 1 कितना करेगा भाई, 10 टाइम्स हम कर दें 0.1 और 1.5 को जब बच्चों हम मिलाएंगे तो इसका आंसर आएगा 1.6. अब देखें जो सवालात आते हैं एमगेट टीगेट में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आने लगे और जो टाइम है बचा हुआ उसमें सारे ऐसे सवालात करा रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ करते रहें.